प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे आदित्य राज कोल साहब, जो कि एक जबरदस्त पत्रकार है। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा होगी कश्मीर से लेके पीओके के ऊपर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान जो है उसको अब कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा कश्मीर पे, क्योंकि अब ये बात जो है वो काफी आगे चली गई है। और पहले तो हम लोग चले हो जाता था कि यार ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं, आजाद कश्मीर नाम दे दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहां का, लेकिन अब चीज जो है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। देखिए बिगड़ेगी, ये बिगड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बहुत तवज्जो देता था, हिंदुस्तान भी बातचीत की बात करता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था, ट्रेड की बात करता था। लेकिन पिछले कई सालों में इतनी सारी गतिविधियां हुई, आपने देखा जब भी हिंदुस्तान ने बातचीत की बात की पाकिस्तान से, हमको बैकस्टैप किया गया। आप देखिए जब सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए और वहाँ पर बातचीत करने की पहल की, उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ, उसके बाद उरी का हमला हुआ, उसके बाद नगरोटा का हमला हुआ, हमने दीनानगर में पंजाब में भी हमला देखा, उसके बाद फिर और जब पहल करने की कोशिश की तो हमने देखा पुलवामा का हमला हुआ, जिसमें 40 जो हमारे सोल्जर्स हैं वो मारे गए, और फिर हमको बालाकोट करना पड़ा, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, हमें एक जो है बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल जिसमें कहेंगे कदम उठाना पड़ा, जबकि बहुत लोगों ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने बहुत क्लोजली उसको देखा कि कैसे गतिविधियाँ बढ़ी। पाकिस्तान में भी ISPR ने भी बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देखिए शहबाज शरीफ साहब का भी अभी स्टेटमेंट आया, आप देखिए अभी जो आपके फजलुर रहमान साहब हैं उनका भी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आया, और उन्होंने भी सामने कहा कि हमारी कितनी बेइज्जती होती है, हम दुनिया के सामने जो है भीख मांग रहे हैं IMF की, आप हमें जो है पैकेज दीजिए, आप पैसा दीजिए, बचाइए। हम मुस्लिम जो मुल्क हैं, सऊदी अरब है, UAE है, मलेशिया है, तुर्की है, उनको बोलते हैं भाई हमें बचाइए, हमें जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है। तो इंडिया को देखिए, इंडिया रशिया यूक्रेन से बात कर रहा है, युद्ध रोक रहा है वहाँ पर, इंडिया इसराइल पैलेस्टाइन से बात कर रहा है, इंडिया पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, और जो कश्मीर की बात पाकिस्तान UN के लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर बातचीत करना चाह रहा था, वो कहीं पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कोई वेस्टर्न पावर अब कश्मीर पर कोई स्टेटमेंट नहीं देता, कोई जो पाकिस्तान के पुराने अलाय भी थे वो भी कश्मीर में स्टेटमेंट नहीं देते। इनफैक्ट सऊदी अरब और UAE तो ये सोच रहे हैं कि हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर मॉल बनवाएंगे, वहाँ पर और जो चीज़ें हैं वो करेंगे। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी साजिश तो रही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को, रावलपिंडी को इंटरनली अब देखना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पाकिस्तान आर्मी भी सफ़र कर रही है पहली बार पिछले एक साल में, उतना कभी नहीं हुआ। एक तो आपस में गुट बन गए हैं पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान आर्मी में, एक कोई गुट है जो इमरान खान के फेवर में, एक गुट है जो उसके खिलाफ है। जो पहले हम देखते थे पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल रहता था पूरी तरीके से, वो नहीं है। 9 मई को जो पिछले साल हुआ और ISI और आर्मी के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा लगाया, अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भाई वो इमरान खान के लोग थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सिविलियन थे, कुछ लोग कहते हैं आर्मी ने खुद करवाया। तो ये जो भी हुआ, जो नैरेटिव दुनिया के सामने गया, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हुआ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। जो पाकिस्तान आर्मी का स्टेचर था, जो कमांड था, जो कंट्रोल था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके इतने बड़े फोर्टेड एरियाज जो हैं, सबसे मल्टीपल सिक्योर एरियाज हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, उसमें अगर अटैक हो जाता है, लोग रेफ्रिजरेटर निकाल रहे हैं वहाँ से, खाना निकाल रहे हैं, मुर्गियाँ निकाल रहे हैं, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, वो बहुत ही जो है बेइज्जती हुई। तो मुझे लगता है उसको सुधारने के लिए, ये नोशन सुधारने के लिए कि भाई पाकिस्तान आर्मी भी अब क्राइसिस में है, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना उनको पता है कि आगे की डायरेक्शन पाकिस्तान को क्या देनी है। अभी भी एक सरकार जो है मिली जुली सरकार आई है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान आर्मी की सुनेगी, इकनॉमी बचाएगी,
या पाकिस्तान का स्टेचर ग्लोबली बचाएगी, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस हैं। और दूसरा फिर आप टीटीपी का देख लीजिए कि बुरी तरीके से टीटीपी जो है स्टेटमेंट्स दे रहा है। अभी टीटीपी ने पीओके के फेवर में भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप जंग कीजिए उनके साथ। तो इंटरनली बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। उनको मुझे लगता है कि ये कि वो जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा और इन तंजीमों को और सपोर्ट करें और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करें, इससे बेहतर है कि बातचीत करें, इससे बेहतर है कि अपनी इकोनॉमी सुधारें, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान को बचाएं। क्योंकि पाकिस्तान आई फियर इज ऑन द पाथ ऑफ एन इम्प्लोजन दैट नोबडी कैन सेव देम फ्रॉम। और इमरान खान भी आपने जेल में तो रखा है, लेकिन आपको भी पता है कि इमरान खान जैसा अभी पॉपुलर लीडर ही नहीं है पाकिस्तान। अगर कोई भी उनके सामने खड़ा कर दें तो मुझे नहीं लगता वो इलेक्टोरली, अगर फ्री डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, वो इमरान खान को फेस कर सकते हैं। वो दूसरी बात है, इमरान खान की पॉलिटिक्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी जो है क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही। तो वो पाकिस्तान को बदलना है। और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने बहुत सारे स्टेटमेंट जो पत्रकारों ने उसे पाकिस्तान के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान मुझे नहीं बात करनी उन पर, क्योंकि मैं तो छोड़ दिया उनको, अब उनको रोटी दाल मिल जाए सुबह शाम की वो काफ़ी है, मैं पाकिस्तान की बातचीत जो है ज़्यादा करूँगा नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एक चेंज हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट। एक कि अगर आतंकवादी हमला होता है कि हम डबल उससे अटैक करेंगे और आपको पता चलेगा उसमें क्या होगा, और दूसरा कि भाई हमें बातचीत नहीं करनी, हम पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देते, आप जो है अपना देखिए हम अपना देखेंगे। और दूसरा भी ग्लोबली आप पाकिस्तान भी देख रहा है कि कैसे इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता है अमेरिका को या कनाडा को। अभी जो खालिस्तानी की बातचीत चल रही है सारी, अभी जब हरदीप सिंह निज्जर की बात चल रही है, जब कनाडा ने आपने देखा कि डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कम की, इंडिया ने उल्टा जवाब दिया और बोला कि आप निकलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये सब। और उल्टा वो कनाडा को मुश्किल पड़ा, क्योंकि पंजाब से, चंडीगढ़ से, बाकी जगहों से बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कनाडा। अब जब मैन पावर नहीं है कनाडा के पास, तो लोग कैसे जाएंगे? और जो एजुकेशन सेक्टर कनाडा का है, वो सब जो है ज़्यादातर हिंदुस्तानी वहाँ पर बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हिंदुस्तानी हैं, वो नहीं आएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी और एजुकेशन सेक्टर कैसे चलेगा? तो ये कनाडा को बहुत भारी पड़ा है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिक्स को लेकर, जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भाई एक क्रेडिबल एलिगेशन है, लेकिन वो अभी तक पिछले 6 महीने 8 महीने में प्रूव नहीं कर पाए। तो ये इंडिया का स्टेचर है कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टांस लेता है और वेस्टर्न कंट्रीज को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एक मुंहतोड़ जवाब देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आदित्य आपका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप ये भी मुझे बताइए कि कश्मीर के कई लीडर जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनका कुछ दिन पहले एक बड़ा वायरल हुआ था क्लिप जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं मानती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर या जिसे आप लोग पीओके कहते हैं वहां पे जो कुछ हुआ है तो मिसहैंडल किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इससे जो है बहुत एम्बैरेसमेंट जो है वो एज अ पाकिस्तानी सभी फील कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना था कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, ये बात की गई। उसके बाद मानिशंकर अय्यर साहब, उनका क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जी पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। बस एक चीज जिससे मैं बहुत ऑब्जेक्शन करती हूँ कि वो दो बार उन्होंने कहा कि कोई पागल वहां के एटम बॉम्ब चला देगा, तो हमारे यहाँ उनको क्या लग रहा है हमारे पागल बैठे हुए। लेकिन ये बातें भी आपके यहाँ चल रही है। दूसरा, बीजेपी जो है वो जहां तक मुझे पता है तो वो इलेक्शन जो है वहां से नहीं लड़ा जा रहा कश्मीर से, उसकी क्या रीजन है और आप कैसे देख रहे हैं आपके बाकी दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट को, क्योंकि वो तो लग रहा है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के जो है कश्मीर में कभी भी कोई बड़ा बेस नहीं रहा है। कश्मीर में अगर आप चुनावी राजनीति का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी का बहुत बड़ा एक तबका वहां पर नहीं रहा है। बीजेपी ने कुछ ऐसी सीटें भी कश्मीर में नहीं जीती, हाँ जम्मू में जरूर जीती हैं, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में शायद जीती हों, लेकिन कश्मीर में नहीं जीती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी वो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट जो है सिम्बॉलिकली लड़ते थे चुनाव, लेकिन अब उनकी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जो और बनी है, अपनी पार्टी है जो अल्ताफ बुखारी की है, या फिर सजाद लोन की अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं वो लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ये देखा है कि हम जम्मू में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वहाँ पर लड़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अभी या आने वाले दिनों में बीजेपी भी लड़े वहाँ पर, अपने स्ट्रॉन्ग लीडर्स वहाँ पर लेके आए, क्योंकि अब जब कश्मीर की हम बात करते हैं, हम एक न्यू पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अभी भी जो तकियानुसी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करता था, ऑटोनॉमी की, सेल्फ रूल की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो अब करना बंद करें।
अब एक न्यू पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि एक न्यू पैराडाइम वहां पर आया है। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप ऐसे इकोसिस्टम की बात करेंगे जहां पर एजुकेशन बेटर हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, वहां पर लोगों को जो एनर्जी गैस की नीड्स हैं वो आखिरी बंदे तक वहां पर पहुंचे, जो गांव है वहां पर बिजली पानी सड़क अच्छे से वहां पर राउंड द क्लॉक वहां पर रहे, जब बर्फबारी हो वहां पर उनको जो है इलाज पहुंचे, लोगों को खाना पहुंचे। तो इस तरीके की बातचीत में दम दिया जाए, जम्मू कश्मीर को और कैसे प्रोग्रेस की ओर लेके जाया जाए, इस पर जो है राजनीति होनी चाहिए, ना कि इस पे कि कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है, या फिर अगर धर्म के नाम पर वहां पर राजनीति की जाए। हालांकि वहां पर कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, लेकिन बहुत सारी उसमें साइलेंट पॉपुलेशन है जो बहुत सालों से सफर करती रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे डिबेट्स फारूक अब्दुल्ला या बीजेपी या महबूबा मुफ्ती या बाकी पार्टीज करती रहती हैं, लेकिन उनको मेच्योर होना चाहिए। उनको यानी ये कि एटम बॉम्ब पर आप बात करें और किसी को पागल बोलें और बोलें कि भाई वो दबा देगा या ऐसे होगा, ये ऑन अ लाइटर नोट है। बट मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से डरता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिसी अब पाकिस्तान को देख कर होती है। हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो अब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के होती है। हिंदुस्तान की पॉलिसी होती है कि भाई हम इंडिया फर्स्ट देखें, जहाँ पर हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, यहाँ पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है, ग्रीन एनर्जी का एजेंडा है, सोलर अलायंस का एजेंडा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे यू नो ट्रेड को हम महत्व दें, बाकी कंट्रीज के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात ट्रेड में लाएं, या बाकी जो ग्रुपिंग्स हैं क्वाड हो गई या बाकी अलायंसेज हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज के साथ हो, अमरीका के साथ हो, या ग्लोबल साउथ में हो, G20 में आपने जैसे देखा सफलता मिली। तो ऐसे इश्यूज पे जो है हिंदुस्तान में लोगों का ज्यादा वो है, रुख है। यहाँ पर जो पावर्टी है पूरी तरीके से कैसे मिटाई जाए, लोगों में कैसे और जागरूकता आए, लास्ट माइल बेनिफिशरीज जो गांवों में हैं उन तक जो है हर सुख जो है वो पहुंचे, तो ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और आदित्य राज कोल साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने सबसे पहले चर्चा की जो पीओके के हालात है इस समय, जो पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग आमने सामने, ऐसी वीडियोस आ रही है जहां पे हम देख रहे हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तानी पुलिस को मार रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस वहां के आम आदमियों को मार रही है। और दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे इन्होंने बात की, भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया, इवन कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। और जैसे कि आदित्य राज कोल साहब ने कहा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो इंडिया फर्स्ट है, यानी कि सबसे पहले भारत डेवलपमेंट और ट्रेड के बारे में सोचता है, और जैसे भारत का दबदबा पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है, भारत को सिर्फ अपनी तरक्की पर फोकस करना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।